1, 2, 3. Hey, kami pigam! Yay! Oh. अब दादा की बारी. मैं और पर सिंगल टू पे के आप हमें चुन दोगे. ये ठीक है, मैं 10 तक काउंट करूंगा और आप दोनों को छुपना होगा. ओके जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेरे पास ना सुपरमैन वाली पावर है. मैं आप दोनों को फटाफट से ढूंढ लूंगा. सभी कहाँ गई? मैं आपको वीनो के पास ले जाऊंगा. ओके, फिर आप पट से उसे बू कर देना. अच्छा, चलो. दादा हार गए, दादा हार गए. ये ये मुझे नहीं खेलना आप दोनों के साथ. आप दोनों ना सबसे बड़ी चीटर हो. अरे पापा, जब सही वहां पे थी तो वहां से गायब कैसे हो गई? आपने उसे गायब किया ना. मैंने तो ऐसा. मुझे आप दोनों के साथ खेलना ही नहीं है. आप दोनों चीटर हो. बड़ा, अच्छा सुनो, इस बार तुम दोनों छुपना और मैं ढूंढूंगा. नो चीटिंग. नो चीटिंग. ओके जाओ छुपो. चलो सुनो, मैं वहां पे छुपता हूँ और आप वहां पे जाओ. टिक 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 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6. Tick-tick 7, 8, tick-tick 9. And last, tick-tick 10. सही. बड़ा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो. प्लीज रो मत, प्लीज रो मत. सभी बड़ा, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ. हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा.
है देवा, कहीं ये सभी को सच सच न बता दे कि विराट इसे जबरदस्ती छीन के लेके आया। आप बताओ ना आया, मुझे धोखे क्यों गई थी, बताओ ना आया, बताओ ना। मैं ना एक काम में फंस गई थी, वहां से कैसे निकल के आई हूँ मैं ही जानती। सॉरी, मैं तुम्हारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन आपको दाना ही नहीं दिए दाना, मैं जीत नहीं करूंगी तो आप कहोगे वही करूंगी, तो आप खाना बनाओगे वही खाऊंगी, मैं खुद कर मंदाओगी, लेकिन आप मुझे कभी सोच के मत आना, एक दिन भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं, एक मिनट भी नहीं। कितना डर गई थी मैं, आई मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगी। आई एम सो सॉरी सभी, मैं दोबारा ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर आंटी, मैंने आपको कितने सारे कॉल्स किए, आपने उठाए ही नहीं। हाँ, मैंने सुबह भी फोन किया था, तो आपने उठाया क्यों नहीं आई? आप इतनी देर मुझसे बात किए भी ना, कैसे रहे आई? आपको मेरी याद नहीं आ रही थी क्या आई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मैं कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस गई थी, क्या आपका फोन ही नहीं उठा पा रही थी। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। पक्का? पक्का। वही नहीं, जिंदगी लाइफ जीवन में पहली बार मैं सही को यहाँ पर देखकर खुश हूँ। अब सही इस छोटंकी को यहाँ से लेकर जाएगी और हमारे सर से सारे प्रॉब्लम खत्म। तुझे क्या लगता है, जिस सभी के लिए विराट ने सई को जेल में डलवा दिया, उसे इतनी आसानी से वो जाने देगा? ये चुटकी अब यही रहेगी। बात तो सही कही आपने, ये विराट इतनी आसानी से इसे यहां से जाने नहीं देगा। रहे हो विराट, तुमने सभी को दुनिया की सारी खुशी ला के दी ताकि वो अपनी आई को भूल जाए, लेकिन सभी अपनी आई के लिए तुम्हारी दी हर खुशी टुकराने को तैयार है। मां का प्यार बहुत अनमोल होता है विराट, वो दुकान में बिकने वाली चीजों से उसके बराबरी की ही नहीं जा सकती। मैं एक मां हूं और मैं सही का दर्द समझ सकती हूँ। तुम एक बच्चे को अपनी माँ के बगैर नहीं रख सकते विराट, और अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम एक बच्चे से उसका बचपन ही छीन लोगे। मैं जानती हूँ कि तुम सभी से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो उससे, लेकिन सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है। तुम्हें भी त्याग करना होगा, अपनी जिद का, अपने गुस्से का त्याग। और अगर तुम सभी से उसकी आई छीन लोगे ना, तो यूं समझ लेना कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उस बच्ची से उसकी खुशी ही छीन लोगे। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता विराट, बल्कि खुशी देना होता है। फिर उनकी खुशी के लिए भले ही हमें उनसे दूरी क्यों ना जाना पड़े, अगर प्यार सच्चा है ना तो किस्मत आपको उनके करीब ले ही आएगी। और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता।